हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मटका मलाई कुल्फी। फ्रेंड्स, गर्मियां आ चुकी है और बच्चों की वेकेशन चालू हो गई है, तो मैंने सोचा कि बच्चों को मटका मलाई कुल्फी बना के खिलाई जाए। फ्रेंड्स, आज मैंने इस वीडियो में 2 कप दूध और घर पर जब हम घी निकालते हैं जो खुरदरन बचती है उस खुरदरन का मैंने इस वीडियो में यूज़ किया है। तो चलो अब वीडियो हम शुरू करते हैं। मटका मलाई कुल्फी बनाने के लिए मैंने एक मोटे तले के बर्तन में 2 कप दूध लिया है और दूध को हम गर्म होने पर रख देते हैं। और फ्रेंड्स, दूध को हम लो आंच पे गर्म करेंगे। थोड़ा सा दूध हमारा गर्म हो जाए तो हम कटोरी में 2 चम्मच दूध को निकाल देंगे और बाकी के दूध को हम लो आंच पर गर्म होने के लिए रख देंगे। लो आंच पर गर्म होने से कुल्फी हमारी बहुत ही टेस्टी बनेगी। हमारा दूध गर्म हो रहा है तब हम आगे की प्रोसेस करते हैं। जो हमने दूध लिया है ना कटोरी में, उसमें हम अभी 1 चम्मच भर के कस्टर्ड पाउडर डाल देंगे और उसको हम अच्छी तरह से मिक्स करके इसका हम घोल तैयार कर लेंगे। इसको अभी हम साइड कर देंगे। अभी हमारी जो खुरदरन बची थी घी निकालते समय, उसको हम 2-3 बार गर्म पानी में वॉश करेंगे। फ्रेंड्स, ये खुरदरन जब कुल्फी में डालेंगे ना तो उसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है और हमारी कुल्फी एकदम गाढ़ी और क्रीमी बनेगी। हम इसको अभी ड्रेन कर देंगे। फ्रेंड्स, हम जब गर्म पानी में इसको धोते हैं तो उसका पूरा ऑयल निकल जाता है और कुल्फी में जब डालेंगे तो उसका टेस्ट बहुत ही बढ़ जाएगा। अभी हमारा दूध 80% तक गर्म हो गया है। इसको अभी हम चम्मच की हेल्प से इसको हम घुमाएंगे जैसे कि हमारा दूध जले नहीं। अभी इसमें हम डालेंगे 1/2 कप शक्कर और फिर से हम चम्मच की हेल्प से इसको हम घुमाते रहेंगे जैसे कि हमारा दूध नीचे चिपके नहीं। फ्रेंड्स, अभी हमारे जो खुरदरन हमने जो वॉश की थी ना, उसको हम इसे दूध में डालेंगे और अच्छी तरह से इसको हम चला देंगे। इसी तरह से जो हमने कस्टर्ड तैयार किया था वो भी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और चम्मच की हेल्प से इसको हम मिक्स करते जाएंगे जैसे कि कुछ भी हमारा नीचे तले में चिपके नहीं। फ्रेंड्स, अभी हमारा मिक्सचर ऑलमोस्ट तैयार ही हो गया है। अभी हम गैस का फ्लेम बंद करेंगे और इसको हम रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रख देंगे। हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है। अब इसको हम मटकियों में भरेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में दी गई हुई बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा जैसे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। अब हमने मटकियों में सब मिक्सचर भर दिया है। इस तरह से हम अभी बाकी का हम पेपर कप में भर देंगे। देखो दोस्तों, कितनी अच्छी हमारी कुल्फी एकदम गाढ़ी तैयार हो गई है। अभी इसके ऊपर हम डेकोरेट करेंगे ड्राई फ्रूट से। पहले हम डालेंगे काजू। अभी हम डालेंगे इसके ऊपर बादाम। फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह से बच्चों को ये मटकी में कुल्फी देंगे और ये ड्राई फ्रूट से सजी हुई कुल्फी, तो बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी। अभी हम डालेंगे पिस्ता। फ्रेंड्स, अभी सबके ऊपर हम फॉइल पेपर ऐसे लगाते जाएंगे जैसे कि हमारी कुल्फी में आइस अंदर जमे नहीं। अभी सभी के ऊपर हम रबर बैंड डालते जाएंगे। और फ्रेंड्स, जब हम फॉइल पेपर और रबर बैंड डालते हैं तो उसमें आइस नहीं जमती है। अभी एक छुरी की हेल्प से इसको हम थोड़ा सा होल कर इसे चीर कर देंगे और स्टिक को इसे हम डालते जाएंगे।
और सभी कुल्फी मटका कुल्फी और ये पेपर कप को हम 6 से 8 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे या तो हम ओवरनाइट के लिए रख देंगे। फ्रेंड्स 8 घंटे हो गए हैं, अभी हम मटका कुल्फी को चेक करते हैं। हम फॉइल पेपर को रिमूव कर देते हैं। फ्रेंड्स हमारी मटका कुल्फी अच्छी तरह से तैयार हो गई है। देखो दोस्तों कितनी अच्छी हमारी मटका कुल्फी तैयार हो गई है। बच्चों को देंगे तो वो बहुत ही खुश हो जाएंगे।